हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक बेक। आज मैं आपको मेजरमेंट कप एंड स्पून के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ मेजरमेंट कप एंड स्पून है, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे और ऑनलाइन अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है। अगर आपको ये परचेस करने हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। मार्केट में ऐसे दो टाइप्स के आपको कप्स मिलेंगे, तो यहाँ पे ये 240 ml का है और ये जो दूसरा सेट मेरे पास अवेलेबल है इसमें ये एक कप 200 ml का है। तो जनरली जो रेसिपीज़ में यूज होता है परफेक्ट मेजरमेंट के लिए वो ये 240 ml वाला यूज़ होता है। मैं भी ज़्यादातर रेसिपीज़ में यही कप यूज़ करती हूँ। सबसे पहले हम स्पून्स के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें जो सबसे बड़ा स्पून रहता है उसे हम बोलते हैं 1 TBSP, मतलब 1 tablespoon। बहुत सारे जो स्पून्स रहते हैं उसमें डायरेक्टली लिखा होता है टेबलस्पून, और कुछ जो स्पून रहते हैं उस पर सिर्फ 1 TBSP ऐसे लिखा होता है। तो 1 TBSP मतलब 1 tablespoon। ये जो स्पून है 1 tablespoon ये 15 ml का रहता है। उसके बाद जो स्पून है वो है 1 teaspoon। कुछ कुछ स्पून पे लिखा होता है 1 TSP, वह उस पे लिखा होता है 1.5 teaspoon या 1.5 TSP। ये जो 1 teaspoon है इसका अगर हम आधा करते हैं तो वो हो जाता है 1.5 teaspoon। अगर क्या ये जो स्पून हमने लिया और ये स्पून हमने यहाँ तक भरा तो वो हो जाता है हाफ टी स्पून, और ये मेजरमेंट और ये मेजरमेंट फिर सेम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ पे लिखा भी होता है 1.5 TSP, तो आप वैसे भी ये कर सकते हो। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट जो सबसे छोटा स्पून होता है वो होता है 1/4 TSP या फिर 1/4 teaspoon। ये ज़्यादातर तो छोटे जो मेजरमेंट रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। अगर केक वगैरह आप बनाते हो तो इसेंस वगैरह मेजर करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्पून होता है 1/4 teaspoon। अभी कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जिसमें 1/4 teaspoon का भी आधा हमें लेना होता है, वो होता है 1/8 teaspoon। और 1/8 teaspoon जो स्पून है वो इस सेट में आता नहीं है। जनरली अमोनिया, साइट्रिक एसिड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो 1/8 teaspoon से मेजर की जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें 1/8 teaspoon चाहिए तो 1/4 teaspoon जो होता है वो हमें यहाँ तक फील करना है। अगर हम वो यहाँ पे लिखा भी है 1/8 teaspoon, तो अगर 1/4 teaspoon हम ऐसे आधा यहाँ तक भरते हैं तो वो हो जाता है 1/8 teaspoon। तो ये मेजरमेंट स्पून थे। अभी हम मेजरमेंट कप के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो ये है 1 cup, यहाँ पे 1 cup मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 240 ml। अभी मैं आपको कप से मेजर कैसे करना है ये भी सिखाती हूँ। तो ये कप कभी भी हमें लेवल करके भरना है, और भरते हुए ऐसे हमें शेक करना है। ऐसे जब हम कप में फिल करते हैं एक बार ऐसे शेक करना है, और इसके बाद ऐसे कोई भी स्पून हमें लेना है और इससे ये इस तरह से लेवल करके हमें लेना है। ऐसे करने से क्या होता है, परफेक्ट मेजरमेंट आते हैं, और हर एक बेकिंग के लिए परफेक्ट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कभी भी आपको कौन से भी कप से अगर मेजरमेंट लेना है तो इसी प्रकार हमें मेजर करना है। और अगर लिक्विड हमें इससे मेजर करना है वो बहुत ईजी है, 240 ml मतलब 1 cup ये मैं मेजर कर रही हूँ। तो ये हो गया 240 ml। ऐसे कप आपको पूरा भर के लेना है। उसके बाद ये आता है 2/3 cup। किसी भी चीज़ में से 3 में से अगर हमें 2 हिस्से लेने हैं तो उसमें हम ये कप का यूज़ करेंगे। और ये है 1.5 cup मतलब आधा कप। तो 1 cup जो हमने लिया हुआ है उसका अगर हमें आधा लेना है तो ये कप हमें यूज़ करना है। ये है 60 ml का। और उसके बाद 1/4 cup मतलब 1/4 cup, तो ये 30 ml का कप है। अगर हमें 1/4 cup लेना है, कुछ कुछ
बेकिंग की जो रेसिपीज है केक वगैरह उसमें जनरली ऑयल मेजर करना है, बटर मेजर करना है, तो उसके लिए हमें ये 1/4 कप यूज़ होता है। अगर हमें स्पून से मेजर करना है, मतलब रेसिपी में मुझे अगर चाहिए 1 टेबल स्पून, तो कैसे मेजर करना है? ऐसे पहले हमें स्पून भर के लेना है, उसके बाद उसे ऐसे लेवल करके लेना है, तो ये हो जाता है 1 TBSP, और ये परफेक्ट मेजरमेंट भी हो जाता है। इसी प्रकार हमें सारे जो स्पून्स है उससे मेजर करके लेना है। और अगर कुछ लिक्विड मुझे चाहिए 1 TBSP, तो यहाँ पे है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मतलब होता है 15 ml। उसके बाद 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मतलब रहता है 5 ml, 5 ml। अगर आपको कुछ 5 ml लेना है तो हमें लेना है 1 TSP, 1 टीस्पून। उसके बाद का जो स्पून है 1.5 टीस्पून, तो 1.5 टीस्पून मतलब रहता है 2.5 ml, और 1/4 टीस्पून मतलब रहता है 1.25 ml। ये जो मेजरमेंट है, तो आज हमने बेसिक से शुरुआत की है, और इस चैनल पे हम अलग अलग टाइप्स के केक्स और बेकिंग रेसिपीज देखने वाले हैं। तो आज हमने बेसिक से शुरुआत की है इस चैनल पे हम अलग अलग टाइप्स के केक, पिज्ज़ा, कुकीज़ और बेकिंग रेसिपीज सीखने वाले हैं। आपको भी अगर शुरू से आइस केक सीखना है, बेकिंग रेसिपीज सीखनी है, तो केक बेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।